मेरा दिल कभी ना था जैसा ये हो गया, करामात तेरी है ये, बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, मानो ना कहना मेरा, मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, कहता है दिल ये मेरा। ये पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला है क्या? हेलो एवरीवन, तो गाइस ये क्लिक बेट नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है बस वही शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइस अगर हमारे गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो गाइस उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता गाइस, ऑब्वियसली कंट्री फर्स्ट, ये सभी जानते गाइस। लेकिन अभी तक कुछ डिसीजन अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो गाइस क्यों चल रहा है अभी तक पबजी काफ़ी सारे सर्वर में, क्यों लोग अभी भी खेल पा रहे हैं? अगर डिसीजन लिया होता तो अगर ऐसा कोई कंसर्न होता तो सर्वर में स्टॉप हो जाता, जैसे टिकटॉक हुआ था, टिकटॉक एक दिन के बाद ही स्टॉप हो गया था। लेकिन पबजी अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अभी तक सर्वर में कोई बैन नहीं लगाया है, सिर्फ ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर से हटाया गया है। तो जब तक इंडियन गवर्नमेंट सर्वर में बैन नहीं किया, अगर कोई खेल पा रहा है तो ये इलीगल नहीं है क्योंकि कोई VPN का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो गाइस हमारे पास एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है एंड वो है टाइम्स नाउ के का न्यूज़ है। तो गाइस वही एक शेयर करना चाहता था गाइस, क्योंकि ये कोई क्लिक बेट नहीं है। मैं देखा गाइस काफ़ी सारे यूट्यूबर क्लिक बेट इस्तेमाल कर रहे हैं एंड कोई भी न्यूज़ बता रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ एंड उस न्यूज़ को खुद ही पढ़ो एंड आप जाओ तो सर्च कर सकते हो वेब में एंड वो मिल जाएगा आपको। तो गाइस वो चलिए वो देखते क्या न्यूज़ है। सो गाइस जैसा कि देख सकते हो ये न्यूज़ ये टाइम्स नाउ का न्यूज़ था। तो गाइस इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि सेक्शन 16A इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तोड़ा है। ये कब कोई गवर्नमेंट तोड़ती है? जब कभी भी एक कंट्री के ऊपर अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न आती है तो ये इंडियन गवर्नमेंट अलाउ होता है उसे तोड़ने के लिए, मतलब तोड़ सकती है अगर कोई ऐसा कंसर्न होता है। लेकिन अगर टेंशन प्रूव कर देता है कि ऐसा कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, ऐसा कोई डेटा प्राइवेसी लीक नहीं हो रही है, या तो आपका डेटा, हमारा जो डेटा है वो लीक नहीं हो रही है, तो गाइस इंडियन गवर्नमेंट बैन को हटा देगी। तो गाइस अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने भी 100% नहीं बताया कि ऐसा कोई लीक हुआ है या कोई प्रूफ सबमिट नहीं किया गया है कि डेटा लीक हो रहा है, एंड टेंसेंट भी बात कर रहा है। तो गाइस अभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये 100% श्योर नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या ये बैन कंटिन्यू रहेगा या अनबैन हो जाएगा। बट ये न्यूज़ लेटेस्ट है गाइस, ये सेक्शन 69A जो होता है ये हर कंपनी को एक अधिकार देती है कि आप अपने डिफेंस में रख सकते हो कोई एविडेंस। अगर टेंशन प्रूव कर दिया कि भाई हमारा डेटा लीक नहीं हो रहा है, या तो पबजी ने प्रूव कर दिया कि आपका डेटा लीक नहीं हो रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट कर देगी उसको अलाउ। तो गाइस देखते हैं क्या है, जो भी अल्टीमेटली जो भी डिसीजन रहेगा वो हमें मानना पड़ेगा और हमें रेस्पेक्ट भी करना पड़ेगा गाइस। तो इट्स ओके। तो गाइस अभी तक बैन इसलिए नहीं अभी हटा है क्योंकि अभी भी 100% फैसला नहीं हुआ है। तो गाइस जब तक 100% फैसला नहीं होता है हम कुछ नहीं कर सकते गाइस, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट यस अगर नहीं चल रहा है तो हमें VPN का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोरिया वर्जन वगैरह डाउनलोड नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बट आई एम फ्रॉम मलेशिया और इतना याद होगा कि मैं मलेशिया से हूँ एंड मलेशिया में बैन नहीं हुआ है, तो गाइस मैं खेल सकता हूँ, मैं लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूँ, और मेरा जो डेटा है अगर लीक भी होता है तो गाइस ये इंडिया का डेटा नहीं है, इसे इंडिया का कोई खतरा नहीं है क्योंकि मैं मलेशिया का डेटा हूँ यूज़ कर रहा हूँ, मलेशिया का सब कुछ यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस मेरा डेटा लीक होने से इंडिया की प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है। तो गाइस अगर मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सेंसिबल कमेंट किया करो, थोड़ा ध्यान से क्या कमेंट किया करो कि ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया करो। तो गाइज क्योंकि मैं मलेशिया से स्ट्रीम करता हूँ, ठीक है? तो बस यही बताना था। तो गाइज होप सो कि सब कुछ हो जाए ठीक, सनसाइन का मैसेज आ गया था। तो गाइज हो सके तो सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड आई होप कि जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए यार एंड पबजी वापस आ जाए, तब यार बूम बम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं गाइज, हम कुछ और करेंगे। तो गाइज टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड गाइज प्लीज डोंट यूज़ VPN एंड प्लीज डोंट यूज़ KR वर्जन। अगर बैन है तो बैन रहने दो, अगर अनबैन है तो तब यूज़ कर सकते हैं गाइज।
तो गाइस जय हिंद जय भारत, एंड गाइस वी लव इंडिया एंड वी लव द डिसीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।